नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि Flipkart में मोबाइल कैसे ऑर्डर करते हैं, Flipkart से कैसे मोबाइल बुक करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पे बेल आइकॉन पे क्लिक करके ऑल पे सेट कर दीजिए। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब के आपके पैसे नहीं लगते हैं, सिर्फ हमें मोटिवेशन मिलता है, इसलिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आपका ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो Flipkart से मोबाइल को बुक करने के लिए अपने Flipkart ऐप्स को ओपन कीजिएगा। Flipkart ऐप्स ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा और आप जो मोबाइल को बुक करना चाहते हैं उस मोबाइल का यहाँ पे नेम आपको डालना होगा। तो यहाँ पे हम अपना उस मोबाइल का नेम इंटर करता हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे इंटेक्स मोबाइल डाला हूँ, इंटेक्स का मैं मोबाइल बुक करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे इंटेक्स पे, यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे इंटेक्स के मोबाइल आ जाते हैं। आपको जो भी मोबाइल अच्छा लगे वो मोबाइल को सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे इस ऊपर वाले मोबाइल को सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे प्राइस मिल जाता है और इसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे आपको कब ये डिलीवरी होगा उसकी हमें टाइमिंग मिल जाती है। तो इसे परचेज करने के लिए, इसे बुक करने के लिए आपको क्लिक करना होगा बाय नाउ। अब बाय नाउ पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपका एड्रेस दिखता है। अगर आपका ये एड्रेस ठीक है तो फिर आप क्लिक कीजिएगा कंटिन्यू। अगर आप इसमें कुछ करेक्शन करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल नंबर और अपना एड्रेस चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा चेंज और ऐड एड्रेस। यहाँ से आप अपने एड्रेस को करेक्शन कर सकते हैं और अपने एड्रेस में बदलाव कर सकते हैं। इतना कर लेने के बाद आपको क्लिक करना होगा कंटिन्यू। अब दोस्तों यहाँ से आ जाते हैं हम तीसरे स्टेज में और अपने पेमेंट वाले सेक्शन में। यहाँ पे आपको पेमेंट करना होता है। तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन मिलते हैं पेमेंट करने के लिए। अगर आप UPI से पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऊपर में टिक रहने दीजिएगा। अगर आप क्रेडिट कार्ड ATM से पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे पेमेंट करूँगा कैश ऑन डिलीवरी, मतलब कि मोबाइल आने के बाद ही पैसे दूंगा। तो यहाँ पे क्लिक करूँगा कैश ऑन डिलीवरी पे और इसके बाद क्लिक करना है आपको प्लेस ऑर्डर। यहाँ पे आपको कुछ डिजिट मिल जाते हैं, तो यहाँ पे जो डिजिट लिखा हुआ है वही आप यहाँ पे इंटर कीजिए। यहाँ पे मैं उस डिजिट को इंटर कर रहा हूँ और इसके बाद आपको क्लिक कर देना होगा कन्फर्म ऑर्डर। तो अब ये मोबाइल यहाँ से आपकी बुक हो जाती है। यहाँ पे देखिए आपको सबसे ऊपर में दिख रहा है डिलीवरी का डेट, मतलब कि ये मोबाइल आपको कब मिलने वाला है, मतलब कि इतने तारीख को आपकी मोबाइल डिलीवर हो जाएगा। तो ये थी छोटी सी वीडियो कि Flipkart से मोबाइल कैसे बुक करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके काम की होगी और आपके हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में, और ऐसे सिंपल सिंपल वीडियो मैं अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूँ तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।